जय माता दी। काफ़ी श्रद्धालु लगातार कमेंट के जरिए इंस्टाग्राम पे हमेशा मैसेज करते थे कि सर हमें आपके साथ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करनी है। और कल हमने अपने काफ़ी सोशल मीडिया पे ये भी शेयर किया था कि क्या आप हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करना चाहते हैं। उसमें आप सबका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया और हमने सोचा कि क्यों न इस बार आपके साथ माता रानी की यात्रा की जाए। तो स्वागत है आप सबका एक और नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। बेसिकली अभी तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में मौजूद हूँ, थोड़ा सा नॉइस आएगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा और बैकग्राउंड भी आप आई होप मैनेज कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको अपना पूरा यात्रा प्लान शेयर करने वाले हैं कि हम माता रानी की यात्रा पे कब जा रहे हैं, कौन सा डेट रहने वाला है, साथ ही साथ किस तरीके से हम अपनी यात्रा करेंगे। सब कुछ पूरा अपडेट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस यात्रा में आपको किसी प्रकार से किसी को भी कोई शुल्क नहीं देना है, साथ ही साथ ट्रेन राइडर तो आपसे कभी भी कोई भी शुल्क नहीं लेता है और ये यात्रा आपको अपने खुद के पैसे से करना है। ट्रेन राइडर आपको यात्रा नहीं कराने वाला है, ना ही आपको किसी को कोई शुल्क देना है। जहाँ जो खर्च लगेंगे वो आपको खुद करना होगा, आपको अपनी बुकिंग्स भी खुद करनी होगी, सिर्फ आप हमारे साथ यात्रा करेंगे। देखिए यात्रा का प्लान हम शेयर करने वाले हैं, तो सबसे पहले डेट की बात करेंगे। हमारा जो डेट रहने वाला है वो रहने वाला है यात्रा का डेट 20 तारीख। हम 20 तारीख को फरवरी के महीने में यात्रा करेंगे। हम तो पहुंच जाएंगे अपने घर से, 18 को निकलेंगे, 19 को कटरा पहुंचेंगे। अर्ली मॉर्निंग सुबह में 20 को 6 बजे हम यात्रा गेट से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सब हमें यात्रा गेट पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो 19 के शाम में भी हमारे साथ भूमिका मंदिर चल सकते हैं। भूमिका मंदिर से हमारी बेसिकली यात्रा शुरू हो जाएगी शाम में। हो सकता है कुछ श्रद्धालु जो है वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग पहुँचें 20 तारीख को, हो सकता है कुछ श्रद्धालु 19 की रात में पहुँचे, तो इसी तरह से डेट थोड़ा सा डिफर हो सकता है, बट आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करिएगा। सुबह 6 बजे यात्रा गेट से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। 7 बजे का हमारा समय रहेगा बाणगंगा पहुँचने का, साथ ही साथ माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम 8 बजे पहुँच जाएंगे चरण पादुका मंदिर। वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद लगभग 10:30 बजे का प्लान रखते हैं हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर पर, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हम 1 घंटे का स्टे करने वाले हैं। 1 घंटा वहाँ हम आपका वेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ श्रद्धालु धीरे धीरे यात्रा में आ रहे हों, या कुछ श्रद्धालु आराम से चल रहे हों, या कुछ श्रद्धालु को वहाँ पर जाकर कुछ खाना पीना हो, तो वो सब आप वहाँ पर कर सकते हैं। 1 घंटे का ब्रेक रहेगा अर्धकुंवारी पर। 11:30 बजे हम वहाँ से निकलेंगे माता रानी के भवन की ओर हेमकोठी मार्ग से, और लगभग शाम को 3 बजे तक हम भवन पहुंच जाएंगे। 3 बजे पहुंचने के बाद अगर आपका डॉर्मेट्री बुक है तो आप डॉर्मेट्री में चेकिंग करा लीजिए, रूम बुक है तो रूम में चेकिंग कराइए, जहां जो बुकिंग आपने किया होगा वो कर लीजिए। अगर बुकिंग नहीं भी है तो आप हमारे साथ 4 से 5 बजे के बीच में दर्शन करेंगे। हम 4 से 5 बजे के बीच में माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे और वहाँ पर दर्शन करने के बाद आकर हम अपने डॉर्मेट्री में स्टे करने वाले हैं। अगर आपका डॉर्मेट्री है तो ठीक है, आप निशुल्क धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, या रूम्स है तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, या फिर अगर आप उस दिन नीचे आना चाहते हो तो वो भी आप आ सकते हैं, आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं। हम वहाँ पर रुकेंगे। रात में माता रानी की कृपा रही और प्राचीन गुफा खुला रहा, तो प्राचीन गुफा से दर्शन करने का कोशिश करेंगे। लगभग रात को 12 से 1 के बीच में या उससे पहले भी जा सकते हैं, जैसे जैसे प्राचीन गुफा खुलने का जो शेड्यूल पता चलेगा। उसके बाद हम दर्शन करके आराम करेंगे। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास हम भवन से डिपार्चर हो जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के बाद, बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँचने के लिए। लगभग मान के चलिए कि वहाँ पर 1 घंटा हमें लग सकता है, तो 10:30 बजे ऑलमोस्ट या 11 बजे तक हम जो है भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भी हम लगभग 2 घंटे का मार्जिन रखेंगे। अगर 10:30 बजे पहुँच रहे हैं तो लगभग 12:30 बजे वहाँ से डिपार्चर करेंगे और उसके बाद हम जो है अर्धकुंवारी से नीचे आएंगे कटरा शहर की ओर। अर्धकुंवारी जब हम पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि 12:30 बजे अगर हम निकलते हैं तो 2 से 3 बजे का टाइम हम रख लेते हैं अर्धकुंवारी मंदिर का, और वहाँ से हम रास्ता लेने वाले हैं नया ताराकोट मार्ग, क्योंकि इस बार हमने उस यात्रा से यात्रा की रिटर्न की तो हमें अलग ही अनुभव हुआ और हमने सोचा कि ये अनुभव आप सब भी हमारे साथ जो है शेयर करें। हमारे साथ अगर यात्रा पर चल रहे हैं तो वो अनुभव आप भी प्राप्त करें। वहाँ पर हम जो है उस यात्रा को कम्प्लीट करते हुए लगभग उस मार्ग से नीचे शाम को 7 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद अपने अपने होटल्स या डॉर्मेट्री में हम आराम करने वाले हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट डे लगभग 22 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास
हम शिवखोड़ी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। अब देखिए वहाँ पर हम देखेंगे कितने मेंबर्स आ रहे हैं यात्रा में, किस तरह से उस हिसाब से व्हीकल्स की अलॉटमेंट की जाएगी। अगर मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो एक बड़ा व्हीकल अलॉट कर लेंगे, अगर मेंबर्स कम होंगे तो बाई बस भी हम चल सकते हैं। वो उस समय हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से कैसे जो है हमें भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर जाना है। उसके बाद शिवखोड़ी यात्रा में ऑलमोस्ट एक दिन का समय लग जाता है। अगर सुबह 5:30 बजे पहुँचते हैं तो मान के चलिए कि 5:30 बजे निकलने के बाद हम लगभग 8 या 9 बजे तक पहुँचेंगे। एक हम टाइमलाइन रख लेते हैं, वहाँ पे भी 3 घंटे का टाइम रख लेते हैं दर्शन करके वापस आने में, तो लगभग मान लीजिए कि हमें आते आते शाम हो जाएगा, 4, 5 या 6 भी बज सकते हैं कटरा आते आते रिटर्न। तो वहाँ से फिर जिसका जैसे ट्रेन होगा, अगर किसी का ट्रेन रात में है शाम में है वो अपने हिसाब से अपना ट्रेन ऑनबोर्ड कर लेगा, लेकिन कोशिश यही रखिएगा कि रात की ट्रेन हो तो ज़्यादा बेटर हो, लगभग 10, 11, 12 या 9, 8 इस तरह से, 4, 5 बजे की ना हो तो बेटर रहेगा। उसके बाद फिर जो है वो अपने अपने घर की ओर हम प्रस्थान कर लेंगे। तो ये हमारा एक पूरी तरीके से यात्रा का जो रूट मैप है वो है, हमने आपसे शेयर किया कि हमारा यात्रा इस डेट में इस तरह से रहने वाला है। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। सबसे पहले तो जिस दिन आप कटरा पहुंच रहे हैं आपको अपनी बुकिंग खुद करनी है। देखिए इस यात्रा में हो सकता है अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, कुछ लोगों को डॉर्मेट्री पसंद होती है तो वो डॉर्मेट्री हमारे साथ बुक कर सकते हैं, हम डॉर्मेट्री बुक करने वाले हैं त्रिकुटा भवन में। हो सकता है कुछ लोगों को रूम्स की रिक्वायरमेंट हो, कटरा में उन्हें रूम्स चाहिए तो वो रूम को भी प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं है कि नहीं आप जो है रूम ना लीजिए, ठीक है। टाइमिंग्स जो बताया हमने वहाँ वहाँ उस तरह से रहने वाला है। तो उसके बाद ये भी होता है भाई, देखिए यात्रा में कोई बंदिश नहीं रहेगी कि आप पैदल ही यात्रा करिए। हो सकता है कुछ लोग पैदल ना जाना चाहते हों, घोड़े पिट्ठू पालकी हेलीकॉप्टर या इस तरह से किसी सहारे के साथ जाना चाहते हों तो वो उससे भी जा सकते हैं। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि नहीं आपको इसी तरह से यात्रा करना या ऐसे ही चलना है, आप अपने मर्जी के मुताबिक इस यात्रा में अपना प्लान बना सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए देखिए सबसे पहले तो सुबह 6 बजे यात्रा गेट से हम यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे, आपसे यात्रा गेट पर मिलेंगे। उसके बाद 7 बजे बाणगंगा के पास, 8 बजे चरण पादुका मंदिर के ठीक पास में ही रहेंगे हम। और अर्धकुआरी में आप ये मान लीजिए कि अर्धकुआरी में हम आपको मिलेंगे मैकडी के पास, मैकडोनेल का जो शॉप है उसके ठीक सामने हम आपका वेट करेंगे। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो वहीं पे हम स्टे करने वाले हैं, वहीं पे हम रुके रहेंगे, आपका वेट करते रहेंगे। उसके बाद भवन में हमारी मुलाकात आप सबसे हो जाएगी मनोकामना भवन का जो ऊपर वाला लॉकर है, सागर रत्ना के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऊपर एक लॉकर मिलता है, वहाँ भी मिल सकते हैं, और नहीं तो हम और मनोकामना भवन के जो नीचे वाला साइड है वहाँ पे भी मिल सकते हैं। वो अपने हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे जैसे जैसे जितने पर्सन जो है वो एग्री होते हैं। और भैरव बाबा में, भैरव घाटी में हमारी मुलाकात आपसे भैरव बाबा के सेल्फी पॉइंट पर होगी, जहाँ काफ़ी श्रद्धालु सेल्फी क्लिक कराते हैं, तो वहाँ हमारा ये पॉइंट्स रहने वाला है। अब देखिए यात्रा इस तरह से रहने वाला है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं रहेगा। जिसको जहाँ जो भी खाना है पीना है, जिस तरह से यात्रा करना है, अलग वे अपनाना है, वो उस तरह से कर सकता है। दर्शन चाहे तो हमारे साथ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखिए किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं रखा है। और रही बात पैसे की, पेमेंट की, तो आपको किसी को कोई पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे पेमेंट सारे पैसे आपको अपने हिसाब से अपना देना है। ट्रेन राइडर भी आपका कोई ऐसा नहीं कि कोई शुल्क आपका देगा या वो करेगा, क्योंकि वो सब आपको अपने हिसाब से करना है। हमारी यात्रा आपके साथ बस रहने वाली है, हम जयकारा लगाते हुए पूरे यात्रा ट्रैक में माता रानी का नाम लेकर साथ यात्रा करने वाले हैं, और बहुत ही अलग अनुभव रहने वाला है इस तरह की हमारी यात्राओं में। और हम यही चाहेंगे कि पूरे ट्रेन राइडर के परिवार के साथ एक यात्रा होनी चाहिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल समरी थी पूरी यात्रा की। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ यात्रा से संबंधित पूछना है कि नहीं आपकी यात्रा कैसे रहने वाली है, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप पर भी आके प्रश्न पूछ सकते हैं। और उस समय हमारा ये व्हाट्सअप नंबर ही एक्टिव रहेगा जिस पर हमारी आपसे कॉन्टैक्ट होती रहेगी कि आप कहाँ पहुँचें, किस तरह से पहुँचें, वो चीज़ें सब इसी नंबर से शेयर होंगी और इसी नंबर से बात होगी। अब आपको क्या करना है ये सुनिए। देखिए अगर आपका यात्रा का प्लान हमारे साथ सेट हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं बुकिंग की बात कर लीजिए तो टाइम बहुत ज़्यादा है। आप अभी ट्रेन का भी बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि फैब की यात्रा होने वाली, तो ट्रेन का बुकिंग आप कर सकते हैं। आप डॉर्मेट्री की बुकिंग भी कर सकते हैं, 1 तारीख को डॉर्मेट्री की बुकिंग ओपन होने वाली है, 1 दिसंबर को फैब के महीने की एक साथ पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप डॉर्मेट्री, रूम्स, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, जो भी बुकिंग्स करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से पूरा प्लान रहने वाला है। और अपना जो भी शेड्यूल है जिस तरह से, वो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे,
आपका अगर टिकट कंफर्म हो जाता है, आप टिकट बुक कर लेते हैं, डॉर्मेट्री कर लेते हैं, तो आप अपना डिटेल हमें शेयर करेंगे जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपकी बुकिंग हो गई है और इतने मेंबर्स हमारे साथ यात्रा में आ रहे हैं, हमारी यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं। हमने इसीलिए इतना समय रखा है जिससे कि आप सबको टाइम मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो फैब का महीने रहने वाला है, तो फैब महीने में ये फायदा होगा कि प्राचीन गुफा से दर्शन करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। माता रानी कृपा रही तो उसे दर्शन हम सब ज़रूर करेंगे मिलके। देखिए, मैंने पूरा कोशिश किया कि जितना भी मुझे अपने यात्रा के प्लान से चीज़ें समराइज थी वो हमने आपसे शेयर कर दिया है। क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, सामने ही धूप लग रहा है और कैंपस है और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, बट आप मैनेज करिएगा। और आप सबको यही करना है कि जैसे आपका पूरा प्लान सेट हो जाए, आप सबको हमें 1 दिसंबर से पहले अपना डिटेल शेयर कर देना है। 1 दिसंबर से पहले आपको हमारे व्हाट्सएप पर आना है, वहाँ पे आपको अपना डिटेल शेयर करना है कि आप हमारे साथ यात्रा में ज्वाइन हो रहे हैं, आप यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूँ, आपको इस यात्रा का कोई भी शुल्क किसी को नहीं देना है। ट्रेन लड़ा तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है। इसके साथ साथ आप जो भी यात्रा करने वाले हैं वो आप अपने पैसे से करेंगे। जहाँ जो पैसा लगेगा, जहाँ आपको खाना होगा, जहाँ आपको जिस तरह का पीना होगा, जहाँ आपको जिस तरह का रहना होगा, वो सब पैसा आपको अपना देना होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन लड़ा आपको कोई पैसा देगा या फिर आप जो है वो किसी को पैसा देंगे, नहीं, हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्लान शेयर किया है। अब आपको प्लान कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस यात्रा के डिटेल से संबंधित, नीचे कमेंट करिएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ यात्रा बहुत खास रहेगी क्योंकि पूरे टीम मेंबर्स, पूरे ट्रेन राइडर फैमिली मेंबर्स हम साथ में यात्रा करने वाले हैं। और देखिएगा, अनुभव करिएगा, फिर हमें ज़रूर फीडबैक शेयर करिएगा। और याद रखिएगा, करना आपको जल्दी से जल्दी है टिकट और अपना डॉर्मेट्री बुक, और हमें शेयर करना है अपना डिटेल व्हाट्सअप पे, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि इतने श्रद्धालु हमारे साथ आ रहे हैं। तो ज़रूर से इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा आप सब कि आप सब आ रहे हैं, ताकि एक लिस्ट हमें पता चले ना कि इतने श्रद्धालु हमारे साथ कनेक्टेड है, वो यात्रा पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। बस यही एक डिटेल जानकारी थी जो हमें लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। आप सब रेगुलर वे में कमेंट करते थे, पूछते थे, कहते थे कि हमें यात्रा साथ में करना है, कब जाना है, कब करना है, तो आज हमने अपना पूरा डिटेल शेयर कर दिया है विथ डेट और अपना यात्रा प्लान। आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ, एज वेल एज फेसबुक पेज के साथ ट्रेन राइडर, और साथ ही साथ मुझे आशा है कि आप सब हमारे साथ यात्रा ज़रूर करेंगे। आपकी यात्रा का और आपकी डिटेल का मुझे इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।